आरके माही मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव भारतीय भवन जो एक विशेष तौर पर 10th क्लास के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी को अलजेब्रा में कोई प्रकार का अगर दिक्कत होगा एक नंबरी में, तो वो आकर वीडियो देखे और सारे अलजेब्रा का वीडियो जो है आपको प्ले लिस्ट में जाकर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 बराबर 0 हो तो एक मूल है। मूल का मतलब होता है एक्स का मान। ध्यान दीजिएगा, मूल इसमें दो मूल होते हैं जिसमें एक मूल आपका एक्स का मान दिया हुआ है। तथा समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 हो तो हमको ज्ञात करना है, मूल का समान हो तो क्या करना है, क्यू का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 यहाँ पर दिया हुआ है बराबर 0, तो एक्स बराबर मेरा मूल दिया हुआ है 2। अब जहां एक्स आपको दिखाई दे रहा है उस जगहों पर हम लोग कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बी गुने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा आपका 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2b और प्लस हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 12 गो और 4 गो कितना हो जाएगा, 16 गो, कितना हो जाएगा 16 गो। जब भी हम कभी किसी का मान ज्ञात करते हैं, शून्य की ज्ञात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब बराबर के उधर ले जाते हैं तो मेरा साइन बदल जाता है, जब वही प्लस रहता है तो माइनस बन जाता है, और माइनस रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और गुना रहता है तो भाग हो जाता है, और भाग रहता है तो गुना हो जाता है। कभी भी किसी का मूल ज्ञात करने के लिए LHS के तरफ हम लोग क्या करते हैं, उस मूल को रखते हैं जिसका हमको ज्ञात करना है, बकिये के हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड में ले जाते हैं, और राइट साइड में जब भी जाता है तो क्या हो जाता है, अपने वास्तविक चिन्ह को, अपने वास्तविक मूल को क्या हो जाता है, भूल जाता है। उसी तरह के मेरा 16 का मूल्य क्या है, वास्तविक मूल्य प्लस में है, तो यह प्लस जो है अपने वास्तविक मूल को छोड़कर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो बी बराबर हो जाएगा, ये जब गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, कितने मरतबे कटेंगे, 8 मरतबे, तब बी बराबर माइनस हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न आपका दूसरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना है, क्यू है, बराबर 0 है। अब हमको ध्यान देना है बी का मान माइनस 8 है, तो जहां आपको बी दिखाई दे रहा है उस जगहों पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस 8 दे देंगे, क्या करेंगे, माइनस 8, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर माइनस 8 और एक्स का एक्स रह जाएगा, और यहाँ पर प्लस क्यू हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब लोग हम अब क्या करेंगे, अब हम लोग डी का मान निकालेंगे, डी के मान पर हम लोग क्या करेंगे, क्यू का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए ए बराबर आपका हो जाता है 1 और बी बराबर क्या हो जाता है, माइनस 8, और सी बराबर हो जाता है क्यू। अब ध्यान दिया जाए डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, 0 इसलिए दिए है क्योंकि हमको क्यू का मान ज्ञात करना है, और किसी का भी मान शून्य के ही बराबर होता है। तो b कितना है आपका, माइनस 8 है, तो माइनस 8 का स्क्वायर कर दिए, 4 गुने a कितना है 1, तो 1 कर दिए, और c क्या है, q है, बराबर कितना हो जाएगा, 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 8 का स्क्वायर आपका हो जाता है 64, कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 4q को बराबर के उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। कभी भी अगर राइट साइड में ले जाइए या राइट लेफ्ट साइड में, दोनों स्थितियों में ध्यान दीजिएगा, जिसका मान ज्ञात करना होगा तो उसको छोड़कर बकिये जो है आपको एक साइड में चला जाएगा। अगर 4q को अगर राइट साइड में ले जाते हैं तो सारे के सारे हमको लेफ्ट साइड में आएंगे, किसको छोड़कर, मात्र क्यू को छोड़कर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपने ही जगह पे है, और ये जो 64 जो है प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दिया जाए 64 ये गुना है तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 आया तो कितना होगा, 4 × 4 = 64, तो क्यू का मान आपका कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में चल रहे हैं। 36 में क्या कह रहा है, तो द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1 = 0, तो विभेदक हमको ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में हम इसको अच्छी तरह से, बहुत साधारण तरह से, सरल तरीका से हमने बताया था, जब भी विभेदक और विभेदकर ज्ञात करना हो तो हमको किस सूत्रों का प्रयोग करना होगा, डी का सूत्रों का प्रयोग करना होगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3x² - 2x + 1 + 3 = 0। ध्यान दीजिएगा, ये बराबर आपका हो जाता है 3, बी बराबर हो जाता है -2,
और सी बराबर हो जाता है 1/3। चाहोगे तो इसको बटा पर के जोड़ घटाव करके भी बना सकते हो, पर हम उसी तरह के बना रहे हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर देखा जाए बी आपका 2 है, माइनस 4 गुने ए कितना है आपका 3 है, और सी कितना है 1/3 है। तो 3 से 3 मेरा खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 में से 4 का क्या होगा 0 होगा। मेरा विभेदकर विवेचक क्या निकला आपका 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही है, ठीक है, और अच्छा लगेगा ही क्योंकि पूरे विस्तार से बताया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ जब भी कर्मागत संख्या के मतलब होता है लगातार, लेकिन कर्मागत में 3 तरह के प्रश्न आते हैं। एक आते हैं कर्मागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरा आता है सम संख्या, और तीसरा आता है विषम संख्या। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 2 कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए जिनके योग क्या हो जाता है आपको 290 है। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न के अनुसार चलते हैं, प्रश्न चलेंगे तो माना कि यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, माना कि 2 कर्मागत 2 विषम धनात्मक पूर्णांक एक्स और एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक्स 1 हो गया और एक्स प्लस 2 का मतलब हो गया क्या 3 हो गया, ठीक ना। तो ये आपको विषम संख्या हो गया। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे प्रश्न से चलेंगे, क्या कर रहा है प्रश्न में, वर्गों का योग, मतलब ये दोनों के क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, क्या करना है, वर्ग करना है। बराबर इसका योग कितना है 290 है। ध्यान दीजिए, इधर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया 2, ए के जगह पर क्या है एक्स, और बी के जगह पर क्या है 2 है, तो 2 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2 दूना 4x, अब प्लस कितना हो जाएगा 4, बराबर हो जाएगा 290। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2x² प्लस हो जाएगा 4x प्लस 4, ये जो प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2x² प्लस 4x, और 290 में से 4 घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इधर उधर मत कीजिए, x² प्लस यहाँ पर देखिए 2 हम लोग कोमा ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसको हम 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब x² प्लस 2x माइनस हो जाएगा 143। अब यहाँ पर देखा जाए, गुणनखंड होगा तो देखो, यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा, 11 और 13 में हम लोग गुना करके देख लेते हैं, 11 तिया 33 का 3 हाथ में 3, 11 एकम 11 और 3 11 गुआ 3 को कितना हो जाएगा 14 गुआ 143, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, 11x यहाँ पर लिखेंगे 13, क्या लिखेंगे 13x माइनस 11x माइनस हो जाएगा 143। ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड का नियम होता है फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करो, बिचला के ऐसे दो भागों में तोड़ो जो गुना करने पर 143 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर माइनस कितना आना चाहिए, प्लस 2x आना चाहिए। ध्यान दीजिए, इसीलिए प्लस को 3x को प्लस में कर लिया गया और 11 को क्या कर लिया गया माइनस में। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 नहीं है 13 है, ठीक है, तो 13 में से 11 घटेगा तो कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, दोनों में क्या शामिल है कॉमन, x शामिल है, तो 2x है तो 1x बाहर निकल गया और 1x अंदर हो गया। अब इसमें इससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भागा करते हैं, तो जब भी भागा करते हैं तो 1 से 1 खत्म हो जाता है, बचता कितना है 13 है, ठीक ना, और इसमें निकलेगा कितना आपका 11, तो 11 तो निकल गया, इससे भाग देते हैं दोनों में, ठीक ना, 11x में 11 से भाग देते, 11 11 तो कट जाता है, बच जाता है मेरा x। उसी प्रकार माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और 11 में भाग देंगे 143 में, तो ये कितने मरतबे कटेंगे 13 मरतबे कटेंगे, ठीक है ना।
अब ध्यान दीजिए, एक बात पर ध्यान दीजिए, ये जो होता है ये दो फैक्टर है, तो दोनों फैक्टर में हमको क्या शामिल है, एक्स प्लस 13 शामिल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, से दोनों में मिल जाता है उसको लिख लेते हैं, और जो बाहर जो इंकलाब रहता है उसको लिखते हैं। लेकिन वह नियम गलत नहीं रहता, बसरते सही ही होता है, बसरते यहाँ पर उस तरह की नहीं बात है। यहाँ पर दो फैक्टर होता है और दोनों फैक्टर में क्या कॉमन है, तो एक्स प्लस 13 कॉमन है। तो जब एक्स प्लस 13 जब मेरा बाहर निकल जाता है, एक्स प्लस 13 जब बाहर निकल जाता है तो बच जाता है क्या, इसमें एक्स बचता है, तो यहाँ पर एक्स लिखा जाता है। और ये एक्स प्लस 13 को हम लोग क्या करते हैं, अब ये बाहर जब निकला तो इससे हम भाग देंगे, तो एक्स प्लस 13 कटेगा, बच जाएगा एक्स, तो एक्स उसमें लिख दिए, ठीक ना। फिर हम 11 माइनस 11 एक्स प्लस 13 को हम लोग एक्स प्लस 13 में भाग देंगे तो कटेगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस 11, तो यहाँ पर हो जाता है माइनस 11, ठीक है, माइनस 11 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स प्लस यहाँ पर 13 हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा, 0, और इसको भी एक बार शून्य के क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 13, प्लस है तो बराबर के उधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस 11 है तो इधर जाके प्लस 11 हो जाएगा। यहाँ पर असंभव होगा, असंभव। और यहाँ पर आपको दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक जो है, एक आया आपका दो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, 11 और x प्लस 2 है, तो यहाँ पर x के मान 11 हो जाएगा और यहाँ पर 2, तो 11 दो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये मैथ जो है आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि ये विस्तार से हम बनाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा, और लाइक तो करना ही है, बस आते इसको सब्सक्राइब भी करना है, नए नए वीडियो देख रहे हैं तब तो।